मॉर्निंग सिक्स क्लास स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द नाउन नंबर। हमने अपने लास्ट चैप्टर्स में नाउन के बारे में पढ़ा है, नाउन के काइंड्स के बारे में पढ़ा है। आज हम नाउन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउन कैन बी आइदर सिंगुलर और प्लूरल इन नंबर। नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अब सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, ये वैसे तो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। जैसे कि हिंदी में आपने एकवचन बहुवचन पढ़े हैं। एकवचन एक से ज्यादा एक चीज के लिए और बहुवचन एक से ज्यादा चीजों के लिए। उसी तरह से सिंगुलर यानी सिंगल, सिंगल एक चीज के लिए, वन थिंग के लिए हम सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं। और ऐसे ही प्लूरल जब एक से ज्यादा यानी एक से ज्यादा चीजें होती हैं तो उसके लिए हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। जैसे कि ए नाउन विच स्टैंड ओनली फॉर वन पर्सन वन एनिमल वन प्लेस। हाँ, तो सिंगुलर नाउन वन पर्सन वन एनिमल वन प्लेस के लिए आता है, लेकिन ऐसे ही प्लूरल नाउन है फॉर मोर देन वन पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग, एक से ज्यादा चीजों के लिए क्या आता है, प्लूरल नाउन। एक से ज्यादा पर्सन, एक से ज्यादा एनिमल, एक से ज्यादा प्लेस, ठीक है। वे ऑफ फॉर्मिंग द प्लूरल ऑफ नाउन्स, स्टडी हाउ द फॉलोइंग नाउन फ्रॉम देयर प्लूरल। अब हम ये पढ़ेंगे कि हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। सिंगुलर से प्लूरल नाउन ऐसे बनता है कि जैसे एक सिंगुलर वर्ड है तो हम उसके आगे एस ई एस एस एच सी एच ये सब एड करके हम उसको प्लूरल बनाते हैं। तो हमारा फर्स्ट रूल है इसमें, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी फॉर्म प्लूरल बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि हम सिंगुलर से प्लूरल ओनली एस लगाकर बनाते हैं। जैसे कि फर्स्ट है बुक, अब एक बुक की बात करेंगे तो बुक, अगर हमें बहुत सारी बुक की बात करनी है तो वहां हम क्या लगाते हैं, एस लगा देते हैं, तो वहां क्या बन जाता है, बुक्स यानी बहुत सारी किताबें। तो सिंगल वन बुक की बात करेंगे तो बुक आएगा, अगर वन से ज्यादा की बात करेंगे तो वहां आएगा बुक्स। ऐसे ही आई, आई वन आई के लिए हम आई यूज बोलेंगे, ठीक है। और अगर आईज दो आंखों के लिए या दो से ज्यादा आईज के लिए हम बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, एस लगा देंगे, ठीक है, आईज। सेकंड है हमारा नाउन एंडिंग इन हिजिंग साउंड एस डबल एस सी एच एस एच एंड एक्स। अब जैसे कि हम कुछ सिंगुलर वर्ड्स में एस की जगह ई एस भी जोड़ते हैं, जैसे कि गैस, उसके आगे अगर गैस के आगे ई एस जोड़ेंगे तो गैसेस। ऐसे ही क्लास, क्लास के आगे हम क्या लगाएंगे, ई एस, क्लासेस, क्योंकि ऑलरेडी इन वर्ड्स में क्या है, लास्ट में एस आ रहा है, अगर हम फिर से एस लगा देंगे तो जैसे क्लास में डबल एस ऑलरेडी है, अगर हमने एक और लगा दिया तो ट्रिपल एस हो जाएगा। ऐसे ही गैस में सिंगल एस है, हमने दोबारा लगाया तो डबल एस हो जाएगा, तो उसका वर्ड चेंज हो जाएगा, वो सिंगुलर से प्लूरल में नहीं होगा, वो वर्ड ही चेंज हो जाएगा। ऐसे ही बॉक्सेस, जिन वर्ड्स के लास्ट में एक्स आता है, सी एच आता है, उनके लास्ट में भी हम क्या लगाते हैं, ई एस, ना कि एस। नाउन एंडिंग इन ओ एंड हैविंग ए कॉन्सोनेंट बिफोर ओ जनरली फ्रॉम देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर नाउन। अगर किसी वर्ड के लास्ट में ओ है और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो हम उसके लास्ट में भी क्या लगाते हैं, ई एस। जैसे कि मैंगो, लास्ट में ओ आ रहा है तो हम उसके लास्ट में क्या लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, उसके लास्ट में लगाएंगे हम ई एस, क्योंकि देखिए ओ से जस्ट पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, ना कि वोवेल, ठीक है। ऐसे ही टमेटो, हीरो, पटेटो, इस तरह से। बट रिमेम्बर द एक्सेप्शंस, डायनमो, डायनमोज, पियानो, पियानोज, फोटो, फोटोज, इनका, इनके आगे कभी भी ई एस नहीं लगता है, इनके आगे हम ए सी लगाते हैं, क्योंकि कई बार एक्सेप्शंस हो सकते हैं, अपवाद हर चीज में होते हैं। नेक्स्ट फोर है, इफ ए नाउन एंड्स इन वाई एंड इज प्रिसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, चेंज वाई इंटू आई ई एस टू फॉर्म द प्लूरल। जब किसी वर्ड के लास्ट में वाई आता है तो हम वाई वहां से रिमूव करके आई ई एस एड कर देते हैं, जैसे कि आर्मी, आर्मी में लास्ट में हम वाई रिमूव करके क्या लगा देंगे, आई ई एस। जैसे कि बेबी, तो बेबी के लास्ट में वाई रिमूव करके हम क्या एड करेंगे, आई ई एस, ठीक है। इसी तरह से सिटी, ड्यूटी, ठीक है। बट फिफ्थ रूल है, बट इफ ए नाउन एंड इन वाई
प्रेसिडेंट बाय ए वोवेल एड ओनली एस टू फॉर्म द नेक्स्ट है आपका, इसमें आपको बोला कि लास्ट में वाई है तो हम इसमें आई ई एस क्यों ऐड नहीं कर रहे, वाई से पहले देखिए आप वोवेल है ना कि कॉन्सोनेंट, अगर कॉन्सोनेंट होता तो हम आई ई एस लगाते, लेकिन यहाँ पे क्या है वाई से पहले वोवेल, इसलिए हम क्या लगाएंगे ओनली एस, बॉय बॉयज, जॉय जॉयज, की कीज, ठीक है, सब में क्या है सॉरी वोवेल है। रूल नंबर सिक्स है नाउन एंडिंग इन एफ और एफ ई फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इंटू वी ई एस, अगर किसी सिंगुलर किसी नाउन सॉरी सिंगुलर नाउन में क्या है लास्ट में एफ है तो हम उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं एफ रिमूव करके वी ई एस लगा देंगे, जैसे कि अब देखिए इधर है थीफ, अब थीफ में भी क्या है एफ है लास्ट में तो हम क्या कर देंगे एफ को रिमूव करके वी ई एस लगा देंगे। रूल नंबर सेवन है बट द नाउन गिवन ब्लो दो एंड इन एफ टेक ओनली एस टू फॉर्म प्लूरल, इसी तरह से रूल नंबर सेवन में देखिए आप लास्ट में क्या है वर्ड के एफ है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं तो उसमें हमें क्या यूज करना होता है एस ही यूज करना होता है, जैसे कि रूफ, अब हालांकि इसमें लास्ट में एफ है लेकिन हम फिर भी क्या यूज करेंगे इसके आगे ओनली एस, ठीक है, इसी तरह से रूफ, स्कार्फ, चीफ्स, इनके आगे हम वी ई एस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है एफ यू नाउन्स फ्रॉम फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वोवेल वोवेल्स ऑफ द सिंगुलर, और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके जो इनसाइड अंदर की तरफ जो ओनली वोवेल्स होते हैं उनको चेंज कर भी हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, जैसे कि एम ए एन मैन, तो एक जो सिंगुलर मैन है वो तो होगा एम ए एन, अगर मैन का हम प्लूरल बनाएंगे तो उसमें एस या ई एस नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे ओनली बीच में से वोवेल चेंज कर देंगे एम ए एन, ए की जगह हम क्या लगा देंगे ई एन, तो यहाँ पर क्या होगा ये तो सिंगुलर मैन हो गया और नेक्स्ट क्या हुआ एम ई एन, ये प्लूरल मैन हो गया। इसी तरह से वोमैन, फुट, फुट में हम क्या करेंगे जो डबल ओ है उसको हम रिमूव करके डबल ई कर देंगे, ठीक है, इसी तरह से माउस, माइस, टूथ, टीथ, ठीक है। रूल नंबर नाइन है टू दीज नाउन्स ई एन इज एडेड टू फॉर्म देयर प्लूरल्स, और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में हम आर ई एन लगा देंगे तो भी वो प्लूरल बन जाता है, जैसे कि चाइल्ड यानी एक बेबी की बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन हमें बहुत सारे बेबी की बात करनी है तो हम क्या करेंगे चाइल्ड की जगह क्या कर देंगे उसे चिल्ड्रन, ऐसे ही ऑक्स, एक ऑक्स की बात हो रही है तो सिंगुलर ऑक्स की तो हम ऑक्स लिखेंगे, अगर हमें बहुत सारी ऑक्स ऑक्स की बात करनी है तो हम क्या लगा देंगे उसके लास्ट में ई एन ऑक्सन, ठीक है। मोर अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन्स, रूल नंबर टेन है सम नाउन्स हैव सेम फॉर्म फॉर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम फॉर्म में होते हैं, जैसे कि शिप, शिप मीन्स क्या होती है भेड़, अब एक शिप की अगर हम बात करते हैं तो भी शिप ही आएगा और अगर हम बहुत सारी शिप की बात करेंगे तो भी शिप आएगा, ऐसे ही डियर, फिश, पीस, डजन, इनके कभी भी सिंगुलर से प्लूरल में ये चेंज नहीं होते और ये प्लूरल से सिंगुलर में चेंज नहीं होते, ये अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आपको बताई दिए मैंने, ए शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब एक शिप की बात हो रही है और बहुत सारी शिप की बात करेंगे तो मैनी शिप आर स्टैंडिंग देयर, ठीक है। रूल नंबर 11 है सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज विद सिंगुलर वर्ब एंड नेवर विद प्लूरल वर्ब वेदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल इन फॉर्म, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं और वो कभी भी वर्ब चेंज नहीं होते, अगर हाँ कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो चाहे सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में हो उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, जैसे कि सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, लैंग्वेज, इनके साथ हमेशा क्या आती है सिंगुलर वर्ब आती है, जैसे कि द फर्नीचर इन दिस रूम इज वेरी ओल्ड, इसके लिए आर नहीं आएगा, पूरे फर्नीचर की भी बात करेंगे तब भी फर्नीचर सिंगुलर ही कहलाएगा, जैसे कि द सीनरी ऑफ कश्मीर, अब सीनरी तो पूरी सीनरी की बात हो रही है लेकिन यहाँ पर हम उसके साथ वर्ब कौन सी यूज करेंगे सिंगुलर। रूल नंबर 12 है, ये लास्ट रूल है आपका,
सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज विद प्लूरल वर्ब वेदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल इन द फॉर्म. अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो चाहे सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में हो, उनके साथ वर्ब कौन सी आती है? प्लूरल. अभी अपन ने ऊपर सिंगुलर की बात की, इसी तरह से यहाँ हम प्लूरल की बात कर रहे हैं. यहाँ पर नाउन चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, उनके साथ वर्ब प्लूरल ही आएगी. जैसे कि सम कैटल वर सिटिंग अंडर द ट्री. द अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश आर 26. ठीक है, अब अल्फाबेट है, एक सिंगुलर की बात की जा रही है, चाहे अल्फाबेट के अंदर कितने ही लेटर्स हों, लेकिन अल्फाबेट तो यहाँ सिंगुलर है ना, लेकिन हम यहाँ पर भी क्या यूज करेंगे इसके साथ? आर, यानी प्लूरल फॉर्म, प्लूरल वर्ब. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप ये सारी एक्सरसाइज 1, 2, 3 आप खुद करने की कोशिश करेंगे इसको समझकर. बहुत ईजी है, आप एक बार ट्राई करो, थोड़ा सा सोचो, आपको ये एक्सरसाइज ईजिली आ जाएंगी. रूल्स मैंने आपको सारे समझा दिए, बस उन रूल्स को फॉलो करके आपको ये सारी एक्सरसाइज फिल करनी है. जैसे कि फर्स्ट है, विच नाउन हैज सेम फॉर्म फॉर सिंगुलर एज वेल एज फॉर प्लूरल. आपको वो नाउन बताना है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है. तो अब आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा और आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. ठीक है, अगर नहीं आती है तो मैं आपको इस चैप्टर की और इससे पहले वाले चैप्टर के सारे आंसर एक बार सेंड कर दूंगी, लेकिन आप इसको पहले करने की कोशिश करें. एक्सरसाइज 2 है, गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन. ठीक है, अब आपको इन वर्ड्स की प्लूरल फॉर्म बतानी है. जैसे कि सिटी, सिटी की आप प्लूरल फॉर्म कैसे बताओगे? तो आप एक बार वाई वाले रूल पर जाओगे कि वहां मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, वाई हटाकर हम किस वर्ड का किस लेटर का यूज करते हैं, IES, इस तरह से. ठीक है, ऐसे ही एक्सरसाइज 3 है. एक्सरसाइज 3 के लिए तो आपको बॉक्स में सारे आंसर दे रखे हैं, बस आपको इन सेंटेंस को एक बार पढ़कर रीड करके इनमें आपको ये सारे सेंटेंस के सारे ये सारे ब्लैंक्स फिल करने हैं. ठीक है, आपको समझ में आया होगा. स्टे होम एंड बी सेफ. थैंक यू.